प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली दो का चौथा क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने तीसरे तक कंप्लीट किए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ा भी था, तो वे क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसका हल मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसमें आपको हमारे मैथ्स के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली दो का चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए इसमें। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस नौ से भाग दिया जाता है तब 3x प्लस टू शेष फल है। ठीक, मतलब एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस नौ से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्या मिलता है हमें, 3x प्लस टू मिलता है। ठीक, अब जो हमें बहुपद मिलेगा उसी बहुपद को, ठीक, उसी बहुपद को x माइनस थ्री से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये और ये, इन तीनों को मिला के एक बहुपद बनाएंगे, फिर जो बहुपद मिलेगा देखिए इसी बहुपद, फिर जो बहुपद मिलेगा उसमें हम x माइनस थ्री से भाग देंगे, अर्थात x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लेंगे तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, प्लस थ्री रखेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व हल करते हैं इसको। ठीक, जो दिया है उसको लिख लो, क्या ये क्या होगा, हमारा भाज्य होगा, दिया है भाज्य, भाज्य होगा एफ एक्स। ठीक, इससे हमको भाग देना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस नौ से इसको भाग देना है तो होगा भाजक, भाजक एक्स स्क्वायर माइनस नौ, और शेष फल होगा थ्री एक्स प्लस टू, शेष फल होगा 3x प्लस टू। ठीक, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम सूत्र जानते हैं, इन तीनों से संबंधित क्या होता है सूत्र, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है हमारा सूत्र। ठीक, अब चलिए जो जो मान दिया है उसे हम रख देते हैं। तो भाज्य दिया हुआ है हमें एफ एक्स है, तो ये होगा एफ एक्स, भाजक क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस नौ, एक्स स्क्वायर माइनस नौ, और भागफल को हम मान लेते हैं क्यू एक्स। ठीक, हमको नहीं दिया हुआ है भागफल, तो भागफल हम यहाँ पे क्यू एक्स करके उसको मान लेते हैं। ठीक, भाज्य को मानते हैं पी एक्स, भाजक को मानते हैं जी एक्स, भागफल को मानते हैं क्यू एक्स, और आर एक्स को कहते हैं शेषफल। ठीक, तो ये होगा क्यू एक्स और ये ब्रेकेट, शेषफल क्या होगा 3x प्लस टू, 3x प्लस टू। अब ये देखिए एफ एक्स है, और एफ एक्स को क्या कहते हैं हम, बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुपद। तो इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मिला के एक नया बहुपद बना हमारा ये। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नौ इंटू क्यू एक्स प्लस 3x प्लस टू। तो इस बहुपद को क्या करना है हम, इसी बहुपद को x माइनस थ्री से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होता है। तो शेषफल प्रमेय से हम यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक, मतलब इससे यहाँ x माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक, तो माइनस थ्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इधर जाएगा तो वो प्लस होगा, तो x इक्वल टू होगा प्लस थ्री। ठीक, अब x इक्वल टू, इसमें हम x इक्वल टू थ्री इसमें हम मार रखेंगे तो हमको मिल जाएगा शेषफल। देखिए भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा पूछ रहे हैं, तो शेषफल, शेषफल प्रमेय से लिख सकते हैं हम इसको, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो शेषफल प्रमेय से x की जगह हम तीन रखेंगे तो ये हमारा शेषफल होगा। ठीक, तो ये होगा एफ थ्री। ठीक, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, थ्री, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये माइनस नौ इंटू क्यू एक्स, फिर प्लस थ्री एक्स, एक्स की जगह रखेंगे हम थ्री, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे थ्री रखेंगे। ठीक है, थ्री, और ये होगा थ्री गुणा थ्री प्लस टू, हल करिए इसको, तीन का दो बार गुणा नौ माइनस नौ, ठीक, गुणा क्यू थ्री, फिर ये होगा तीन तिया नौ प्लस टू, हल करेंगे तो नौ माइनस नौ कितना होगा, जीरो, और ये क्यू थ्री प्लस नौ और दो कितना होगा, ग्यारह। ठीक,
ये जीरो के साथ गुणा होकर पूरा जीरो बन जाएगा और 11 मिलेगा हमें एफ थ्री का मान। तो एफ थ्री को ही क्या कहेंगे हम, ठीक। जब एक्स का मान हम यहाँ पे बहुपद में रखते हैं तो वही क्या बनता है, हमारा शेषफल बनता है। तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल मिलेगा हमें 11, ठीक। मतलब इसी बहुपद को एक्स माइनस थ्री से भाग दिया जाता है तो शेषफल मिलता है हमें 11, ठीक। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ठीक। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल मिलता है 5x+3, ठीक। जब इसी बहुपद को एक्स प्लस 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं, हल नंबर 5, ठीक। जो दिया है उसको लिख लें, दिया है एफ एक्स होगा हमारा भाज्य, भाज्य होगा एफ एक्स, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 16 होगा भाजक, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक। अब शेषफल क्या है इसका, शेषफल होगा 5x+3। चलिए सूत्र लगा दीजिए, सूत्र, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, सेम होगा सूत्र है, तो मान डायरेक्ट रखूं मैं तो भाज्य की जगह आ जाएगा एफ एक्स, ठीक, इक्वल टू, ठीक। फिर भाजक की जगह क्या होगा, भाजक देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, फिर गुणा, ठीक। भागफल क्या होगा, क्यू एक्स होगा, शेषफल, शेषफल होगा 5x+3, ठीक। अब ये क्या है, हमारा भाज्य है। अब तो यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि एफ एक्स का एक और भाजक, और भाजक, ठीक, एफ एक्स का एक और भाजक क्या है, मतलब इस एफ एक्स को एक बार हम इससे और भाग देंगे, किससे, एक्स प्लस 4 से, तो उसी को लिखे हैं चूंकि एफ एक्स का एक और भाजक क्या है, एक्स प्लस 4 है, तो इसके इक्वल टू हम 0 लेंगे, तो प्लस 4 पक्षांतर हो उधर जाएगा, तो एक्स इक्वल टू मिलेगा हमें माइनस 4, क्या मिलेगा, माइनस 4। अब एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय क्या कहता है, जब x के मान को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये बन जाता है हमारा शेषफल, तो ये होगा f माइनस 4 इक्वल टू x के जगह रखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर और ये 16, ठीक, और ये गुणा है तो गुणा और ये क्यू एक्स, ठीक। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और ये होगा यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर ये प्लस है तो प्लस, x की जगह क्या रखेंगे माइनस 4, तो ये 4 और ये माइनस 4 प्लस 3। चलिए सॉल्व करिए इसको, माइनस 4 का दो बार गुणा, 4 चौक 16 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये 16 इंटू क्यू एक्स प्लस, ये होगा माइनस 5 चौक 20 प्लस 3, ठीक। 16 कितना होगा, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस 20 में 3 माइनस करिए माइनस 17 मिलेगा, ठीक। हल करिए, जीरो के साथ गुणा होगा तो पूरा जीरो होगा, तो सिर्फ मिलेगा हमें माइनस 17, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा माइनस 17। मतलब इस बहुपद को जब x प्लस 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है हमें माइनस 17, ठीक। तो इस प्रश्नवली में, प्रश्नवली दो में सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचा था, चौथा और पांचवा, तो चौथा पांचवा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम आज के क्लास को भी कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नवली को। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।